तेरे डैड इसके लिए कभी नहीं मान, तो जाके कह दीजिए डैड अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो मुझे और रवि को एक्सेप्ट करना। प्रतीक्षा को दर्द में देखकर रवि को मिला सुकून। रवि भड़के काव्य के पापा पर। कलर्स टीवी सीरियल धर्मपत्नी के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि प्रतीक्षा परेशान है, उसकी शादी रवि से जबरदस्ती हो गई और जबरदस्ती रवि उस शादी को तोड़ देते हैं। यानी कि प्रतीक्षा की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब प्रतीक्षा के खिलाफ है। प्रतीक्षा दर्द में है और प्रतीक्षा को यूं दर्द में देखकर रवि को सुकून मिल रहा है। कहीं ना कहीं रवि का बदला पूरा हो चुका है और रवि को इस बात का सुकून है कि अब प्रतीक्षा को पता चलेगा कि प्यार हाथ में आकर अगर फिसल जाए तो कैसा फील होता है। इसके साथ ही काव्य के पापा रवि के भाई पर हाथ उठा देंगे। रवि इस बात को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और वो काव्य के पापा पर गुस्सा हो जाते हैं। वही काव्य अपनी माँ से बोलती है कि अगर मेरी शादी रवि से नहीं हुई तो मैं इस बार जरूर मर जाऊंगी। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला कि क्या अपने अंकल की बात से मोटिवेट होकर प्रतीक्षा रवि से बदला लेगी, क्या प्रतीक्षा अपने हक के लिए लड़ेगी या फिर प्रतीक्षा को हर्ट करके रवि का बदला पूरा हो जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।